स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉस पास्ता की बहुत ही इजी टेस्टी क्विकली बनने वाली रेसिपी। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 2 चम्मच तेल, जो कढ़ाई में हम गरम कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कली। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 1 सेकेंड के बाद। ये अच्छे से जब फ्राई हो जाए तब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे। तो गाजर कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितने लोग खा रहे हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से ये 2 गाजर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल ली है। तो इन दोनों को अच्छे से सौते कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो आपके पास जो भी कलर की शिमला मिर्च हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जितने आप डालना चाहें ऑप्शनल है, आप जो पसंद करते हैं खाने में आप डाल सकते हैं। और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से पकाना है, सौते करना है, डीप फ्राई नहीं। अब हम इसमें 1 चम्मच करीब सोया सॉस डालेंगे। और सोया सॉस डाल के 1 सेकेंड के लिए इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रीन सॉस। तो इसे भी हम डालकर अच्छे से पका लेंगे। तीखा जितना आप पसंद करते हैं कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो तीखा कम ही डालें तो ज़्यादा बेटर है। और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें टमाटो सॉस डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो ये देखिए अच्छे से ये पक रही हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और इसके कलर को अच्छा लुक देने के लिए इसमें मैंने ऐड किया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और इन्हें भी हम अच्छे से पका लेंगे सब्जियों में, क्योंकि जितना ये अट्रैक्टिव दिखेगा उतना टेस्टी लगता है। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ गोल मिर्च पाउडर डाला है, ये भुना हुआ 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर था। अब इसमें हम डालेंगे बॉयल पास्ता। जैसे हम रेगुलरली पास्ता बॉयल करते हैं पानी में ऑयल डाल के, तो वैसे ही मैंने बॉयल करके इसे छान लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब गैस का फ्लेम और हम स्लो कर देंगे और इसमें 1 चम्मच पास्ता मसाला, जो एक पैकेट आता है, वो ऐड कर देंगे। तो इसका टेस्ट और बढ़िया और बेहतरीन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देख के मुँह में आ गया ना पानी। तो बहुत ही डिलीशियस और क्विकली बनने वाला ये पास्ता है। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे, बिल्कुल रेडी है ये सर्व करने के लिए। तो धनिया की हरी पत्तियों के साथ हम इसे सर्व करेंगे और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, खाने के लिए। तो जब भी आपको छोटी छोटी भूख सताए तो इसे ज़रूर बनाकर खाएं। बच्चों को टिफ़िन में भी मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको देना हो तो उसे बनाकर ज़रूर दें। तो ये देखिए हमारी सॉस पास्ता की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि ये पास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मेरे वीडियोस देखते रहें। और एक बार ज़रूर इस सॉस पास्ता रेसिपी को ज़रूर बना कर खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।